हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है अरबी की सूखी भाजी या सब्जी, और इसके साथ आलू की सूखी भाजी भी बनाई है और जिसको सर्व किया है बन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे अरवी की सूखी भाजी। तो जिसके लिए अरवी को अच्छे से धो के पहले तो मैं बॉईल कर लूँगी। अपनी अरबी प्रेशर कुक होके रेडी हो गई है। पानी निकाल के इसको छील लेते हैं। अब ये अरवी की सब्जी बनाने के लिए बॉयल्ड अरवी को मैंने छील के इस तरह से टुकड़े में काट लिया है। ये कुछ हरी मिर्च के बड़े टुकड़े लिए हैं। ये फ्रेश धनिया है कटी हुई। ये है राई, मेथी, जीरा 1 टीस्पून। इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून क्रश की हुई चिली और 1/4 टीस्पून हींग है। नमक जाएगा स्वादानुसार। और ये मैं बना रही हूँ लोहे के कढ़ाई में, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल। और अब इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे घी, क्योंकि तेल और घी दोनों का तड़का अरवी के अंदर बहुत बढ़िया लगता है। और अब अपने इसका तड़का लगाते हैं। अरवी की सब्जी के तड़के के लिए घी और तेल गरम हो गया है। तड़के में डाला राई, मेथी, जीरा, गैस को कर दिया स्लो। अब डाल देंगे हरी मिर्च। इसके बाद डालेंगे मिर्ची, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, हींग, काली मिर्च पाउडर, क्रश की हुई चिली। तुरंत डाल देंगे अरवी ताकि मसाले गले नहीं। और डाल देंगे नमक स्वादानुसार और इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। पहले 2 मिनट खास आँच पे, फिर मीडियम आँच पे 4-5 मिनट पकाते हैं ताकि अच्छे से मसाले इसके अंदर मर्द हो जाए। ये देखिए, 3-4 मिनट बाद अपनी सब्जी अच्छे से मसाले से मर हो गई है। बस अब गैस को कर देते हैं बंद। ये सब्जी बन के रेडी हो गई है। और ये गया फ्रेश धनिया। और ये अपनी बढ़िया सी अरबी की सूखी सब्जी या भाजी बन के रेडी है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय करें, बहुत बढ़िया लगेगी। और इसके अंदर जो अपने तेल और घी दोनों का तड़का डाला है तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट उभर के आता है। बस एंजॉय करो। ये अरवी की सब्जी को मैंने सर्व किया है बढ़िया से घी में सेक के गरम किए हुए बॉन, और साथ में आलू की सूखी भाजी भी है। और ये मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये मेरा यम्मी ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। बस एंजॉय करते हैं। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।